नमस्कार, चित्रकला श्रेष्ठ कला में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पहाड़ी शैली में बसोली और कांगड़ा शैली के बारे में जाना था। आज हम अध्याय 5 का आधुनिक भारतीय चित्रकला कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा के बारे में जानेंगे। आज हम इसमें कंपनी शैली के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली के हमलों से मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ने लग गई थी। उसके बाद इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच देशों के व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत से कच्चे माल की प्राप्ति के लिए भारत के बाज़ारों में मुगलों तथा देसी रियासतों से रियायतें प्राप्त करने में लगे हुए थे। इनके परस्पर होड़ में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे निकल गई। 1757 से कंपनी का देश की राजनीतिक शक्ति पर कब्जा हो गया, जो कि 1857 तक निरंतर चलता रहा। परंपरागत शैलियां अजंता, राजपूत और मुगल इस देश में यूरोप से आने वाली यथार्थ प्रकृति कला के प्रभाव से समाप्त हो गई। अजंता शैली के स्वर्ण पृष्ठ पलट गए, राजपूत शैली भी सो गई और मुगल शैली भी अंतिम सांसें लेने लगी थी। भारतीय चित्रकला के अंतिम प्रतिनिधि श्री भोला राम की मृत्यु 1823 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात भारतीय चित्रकला की प्राचीन परंपरा नष्ट होने लगी। दक्षिण में चित्रकला का एक नया उदय आरंभ हुआ, जिसके राजा रवि वर्मा अग्रणी थे। उन्होंने पाश्चात्य चित्रकला की अभिव्यक्ति का अनुसरण किया और भारतीय आदर्शों, विशेषताओं और कलापूर्ण प्रणालियों का तिरस्कार किया। उन्होंने प्रयास किया कि पाश्चात्य कला को भारतीय रूप में ढाल दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लाए गए जल रंग तेल चित्रों की यथार्थवादी शैलियों ने सभी चित्रकारों को बहुत ही आकर्षित किया। वैसे यह क्रम अकबर के समय से ही शुरू हो गया था, जिसमें जेसिट पादरियों के भारत प्रवेश के साथ उन्होंने यूरोपीय चित्रों के कुछ नमूने धार्मिक प्रचार हेतु भारत लाए। इसी क्रम का प्रभाव शाहजहांकालीन चित्रों पर भी हम देख सकते हैं। दरबारों में भारतीय लघु चित्र परंपरा को सही संरक्षण न मिलने के कारण यह परंपरा नष्ट होने लग गई थी, जिसे पुनर्जीवित करने का श्रेय हम अवनींद्रनाथ टैगोर को और आनंद कुमार स्वामी को और ई.बी. हेवल को देते हैं। इंग्लैंड के दो चित्रकार थॉमस डेनियल व टीली कैटिल से ही अनेक वर्षों तक भारत का भ्रमण करते रहे। उन्होंने भारतीय विषयों का ब्रिटिश शैली में चित्रण किया। इनके चित्रों ने उस समय के भारतीय परंपरावादी कलाकारों को भी बहुत ही प्रभावित किया। कंपनी व अंग्रेजी सत्ता के सहयोग से पली चित्र शैली कंपनी शैली के नाम से जानी गई। इसे पटना शैली नाम से भी व्यक्त किया गया है। पटना में कंपनी के अनेक अधिकारियों के महल थे। विदेशी चित्रों का संग्रहण तथा ब्रिटिश शैली से प्रभावित भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, सामाजिक जीवन के चित्र संग्रह भी सर्वप्रथम पटना में ही मिले। इसी कारण इसे पटना शैली नाम दिया गया। बाद में कंपनी व अंग्रेज अधिकारी लाहौर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बनारस, मुर्शिदाबाद, पूना, सतारा, तंजौर आदि अनेक स्थानों पर फैल गए थे। अतः पटना वाली शैली भी समस्त भारत में फैल गई। इसी से इसे अधिक व्यापक नाम कंपनी शैली दिया गया।
कंपनी अधिकारियों व अंग्रेज अफसरों ने उस समय के भारतीय जनजीवन, जैसे मछली बेचने वाले, पतंग विक्रेता, साधु, किसान में गहरी रुचि ली तथा अपनी संस्कृति की छाप भी उन्होंने ऐसी छोड़ी कि भारत के रजवाड़ों में बने अनेक भित्ति चित्र और लघु चित्र अंग्रेज अधिकारियों की जीवनचर्या में स्पष्ट चित्रित किए गए हैं। इस शैली की सर्वप्रथम खोज 1943 में पीसी मानक ने की थी और शिवलाल जी ने पटना शहर में उन्होंने इसे ढूंढ निकाला। पटना में तो लोदी कटरा नाम का चित्रकारों का एक पूरा गांव ही बस गया था। इस अध्याय में अगर कुछ बिंदु पर आप ध्यान रखें तो आपको याद करने में आसानी होगी, जैसे कि कंपनी शैली 150 सालों के अंदर अंदर ही इनमें चित्र बने हैं और ये प्रसिद्ध भी हुई है। दूसरा है, यूरोपीय चित्रकारों के नाम याद कर लीजिए और उनके विषय के साथ उन प्रमुख चित्रों के नाम याद कर लीजिए। इसमें सन याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये सब 100-150 सालों के अंदर के ही चित्र हैं, ये शैली है। साथ ही आप भारतीय चित्रकारों के केवल नाम और उनके विषय उनके साथ याद कर लीजिए। किताब में प्रमुख 8 बिंदु हैं, उनकी हेडिंग याद कर लीजिए, इससे आपको पूरा पाठ आसानी से समझ आ जाएगा। हेडिंग याद होते ही आप उनको पूरा विस्तार से लिख पाएंगे पेपर में। उनके जो प्रमुख चित्र हैं चित्रकारों के, उन चित्रों के आप नाम याद कर लीजिए साथ में। एक प्रमुख बिंदु है कि अधिकतर चित्र ऑयल पेंटिंग से ही बने हैं, यूरोपीय स्टाइल में बने हैं, उसमें भारतीय शैली का प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। जो भारतीय चित्रकार है उन्होंने भी यूरोपीय स्टाइल में ही चित्र बनाए उस समय, और लगभग सभी विषयों पर भारत में जितने भी तरह के विषय ले लीजिए आप, उन सब के ऊपर चित्र बनाए। कुछ चित्र उन्होंने यादगार के लिए बनाए, भविष्य में याद रखे कि उस समय कैसा था वहाँ का माहौल, इसके लिए बनाए। कुछ चित्र उन्होंने इसलिए बनाए ताकि उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके, इसके लिए चित्र बनाए। तो ये प्रमुख बिंदु आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। लॉर्ड मैकाले ने 1834 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, साथ ही साथ उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में भी बहुत काम किया और स्कूलों में भी यूरोपीय कला के जो चित्र थे उनकी शिक्षा देनी आरंभ की। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, जिसे हम मुंबई कहते हैं, लाहौर आदि स्थानों पर कलकत्ता विद्यालय खोले गए उस समय में, जो कि यूरोपीय शैली में ही चित्र बनाते थे। यूरोपीय शैली में हजारों की संख्या में ड्राइंग, जल रंग, तेल चित्र और प्रिंट बनाए गए। चित्र कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल, आशुतोष कलेक्शन, नेशनल लाइब्रेरी, बिड़ला अकादमी ऑफ आर्ट, इंडियन म्यूजियम, दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एवं नेशनल म्यूजियम आदि में संग्रहित हैं। विदेशों में भी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में हजारों की संख्या में चित्र हैं। सबसे पहले हम दृश्य चित्र के बारे में जानते हैं। कंपनी शैली के जो चित्रकार थे उन्होंने भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू को, उनके सभी विषयों को चित्रित किया था। वो देश के लगभग सभी स्थानों पर घूमे, उन्होंने वहाँ के पर्वत, नदी, जंगल तथा समुद्र आदि के दृश्यों का चित्रण भी किया। प्रमुख चित्रकारों में थॉमस डेनियल, जिन्होंने 1770 से 1840 में, और विलियम डेनियल, जिन्होंने 1770 से 1837 में, और विलियम होजेज और विलियम सिम्पसन आदि प्रमुख थे, इन्होंने चित्र बनाए। विलियम डेलियन ने 1785 से 1794 के बीच
भारत की यात्राएं की। वे स्टील एंग्रेविंग में पारंगत थे। उन्होंने करीब 144 चित्रों की एक पूरी सीरीज ही बनाई थी। चित्रकार डेनियल ने गंगा नदी से अपनी यात्राएं शुरू की और बिहार और यूपी का दौरा किया और इसी बीच गया, मुंगेर, हजारीबाग, जौनपुर और गाजीपुर आदि स्थानों पर उन्होंने दृश्य चित्र बनाए। दूसरा बिंदु है विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन का चित्रण। उस समय भारत आने वाले अंग्रेजों ने यहाँ के रंगों से जीवन शैली, पोशाक, आभूषण, उत्सव और त्यौहार आदि सभी पर चित्र बनाए। चित्रकारों में एमिली इडेन, बाल्थाजार सोलबिंस, जिन्होंने 1960 से 1824 में, और चार्ल्स डी ओली 1781 से 1845 आदि प्रमुख चित्रकार थे। स्थानीय चित्रकारों में मनुलाल, रामदास, सीताराम, भवानी दास और शेख जियाउद्दीन आदि प्रमुख थे। इन्होंने उस समय के सभी उत्सव, जुलूस, शोभा यात्रा, मेलों आदि का चित्र बनाए। अंग्रेज चित्रकार तथा भारतीय चित्रकार के चित्रों में बहुत अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता। तीसरा बिंदु है पुरातात्विक महत्व के स्थलों का चित्रण। अंग्रेज चित्रकारों ने भारत के सभी ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण भी किया और उन्होंने उनको देख के उन चित्रों का निर्माण भी किया। इनमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफाएं, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और कुतुब मीनार आदि प्रमुख स्थलों के चित्र बनाए हैं। चित्रकारों में जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट मेलविले, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ, जिन्होंने भरतपुर जिले के जुलूस का दृश्य बनाया है, थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल आदि प्रमुख थे। इनका माध्यम भी ड्राइंग में जल रंग, तेल रंग, एनग्रेविंग तथा लिथोग्राफ आदि ही था। इन्होंने उन स्थलों के चित्र अधिक मात्रा में बनाए थे। नंबर चार है वेशभूषा एवं आभूषण। उसमें सभी स्त्री पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों आदि का यूरोपीय चित्रकारों द्वारा चित्रों को दिखाया गया है। छोटे आकार में चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र ड्राइंग, जल रंग, एंग्रेविंग तथा लिथोग्राफ जैसे माध्यम से बनाए गए हैं। इसमें भारत के अलग अलग प्रांतों के निवासियों के, उनके जीवन शैलियों के, अलग अलग रंगों के द्वारा, पोशाक और आभूषणों के द्वारा दिखाया गया है। चित्रकारों में बाल्थाजार सोलमेंस, मादाम बेलनोस, चार्ल्स डी ओली, एमिली इडेन और विलियम सिमसिम आदि प्रमुख थे। वहीं स्थानीय चित्रकारों में फकीर चंद, शिवलाल और राजाराम आदि थे। इन्होंने वेशभूषा और आभूषण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। अब हमारा पांचवा बिंदु है विभिन्न व्यवसायों से संबंधित चित्र। चित्रकारों ने विभिन्न व्यवसाय से जो लोग अलग अलग काम करते थे उनके और उनके जो काम थे उनके भी बहुत ही चित्र बनाए यूरोपियन शैली में। चित्रकारों ने किसान, लोहार, बुनकर, सुनार, नौकर, दरबान, रसोईया, मिठाई वाला, फेरी वाला और मदारी आदि विभिन्न व्यवसायों से, अलग अलग कामों से जो जुड़े हुए लोग थे उनका चित्र बनाया। इन चित्रों को बनाने में प्रमुख चित्रकार थे, यूरोपियन चित्रकार जो थे वो थे बाल्थाजार सोलबिंस, एमिल इडेन, मादाम बेलनोस और चार्ल्स डियाली आदि प्रमुख थे। स्थानीय चित्रकारों ने भी चित्र बनाए थे। उन्होंने भी
पहले की तरह ही ड्राइंग, जल रंग, एंग्रेविंग और लिथोग्राफ के रूप में इन्हें बनाया। सपेरा और सपेरन प्रमुख चित्र हैं इसमें। छठा बिंदु है हमारा व्यक्ति चित्र। कंपनी शैली में व्यक्ति चित्र भी बहुत अधिक संख्या में बने हैं, जैसे उन्होंने राजा, नवाब, कंपनी के शासक, अधिकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के व्यक्ति चित्र भी बनाए। उन चित्रों को भव्य पोशाक में भी दिखाया, उनकी विशेष मुद्राएं भी दिखाई साथ में। इनका माध्यम भी जल रंग, तेल रंग तथा गोश था। चित्रकार जान जोफानी, जेम्स हंटर तथा टिल्ली केटल थे। सातवें नंबर पे हमारा हेडिंग है वनस्पति का चित्रण। कंपनी शैली में काफ़ी संख्या में वनस्पति, पेड़ पौधों के बहुत ही सुंदर चित्र बने हैं, जिनमें लताएं, फल, फूल आदि का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। जल रंग, एंग्रेविंग तथा लिथोग्राफ आदि तरीकों से इन चित्रों को बनाया गया। चित्र पहले की तरह छोटे आकार में ही बनाए गए हैं, जो कि पत्रिकाओं के लिए बनाए गए हैं या वनस्पति की खोज के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। चित्रकारों में वाल्टर हुडफिच, जोसेफ डाल्टन हुकर, जॉन फर्ग्यूसन, लेडी कैनिंग, डब्ल्यू जे हुकर और एमिली ईडेन आदि के नाम प्रमुख हैं। वहीं भारतीय चित्रकारों में आप याद कर लिए गोराचंद, गोविंद, विष्णु प्रसाद, भवानी दास तथा रामदास आदि के नाम प्रमुखता से आते हैं। अब हमारा आखिरी बिंदु है आठवां, पशु पक्षी तथा कीट पतंगों के चित्र। भारत के रंगीन पक्षी, कीट पतंगे तथा तरह तरह के जानवरों के चित्रों को बहुत ही सुंदरता के साथ और आकर्षण के साथ यूरोपीय शैली में उस समय बनाया गया था। चित्र पहले के चित्रों की तरह ही जल रंग, एंग्रेविंग और लिथोग्राफ माध्यम से ही बनाए गए। चित्र छोटे आकार में ही बनाए गए। चित्रों का निर्माण भी पत्रिकाओं के लिए और प्राणी सर्वेक्षण के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, उसकी खोज के लिए बनाए गए। प्रमुख चित्रकार थे जेम्स फोर्बस, रॉबर्ट होम, फ्रांसिस बुकानन, जॉन गोल्ड, एलिजाबेथ प्रमुख चित्र थे। इन्होंने पशु पक्षी, कीट पतंगों और जल में रहने वाले जीवों के बहुत चित्र बनाए। माध्यम इनका जल रंग, माइका पेंटिंग, एंग्रेविंग और लिथोग्राफ था, आपने पहले ही पढ़ा है। अंग्रेज चित्रकारों के द्वारा उनकी अपनी शैली में ही चित्र बनाए गए। इन चित्रों को बनाने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उस समय की पोशाक और जीवन शैली पहले के जैसी जीवन शैली जैसी नहीं रही थी, तो उसे याद रखने के लिए, भविष्य में उस पोशाक जीवन शैली को याद रखने के लिए भी इन चित्रों का निर्माण किया गया। अब हम कंपनी चित्र शैली की कुछ विशेषताएं, प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। इनमें प्रमुख बिंदु है, इसे हम पटना या कंपनी शैली मुगल या यूरोपीय शैली से प्रेरित होकर जन्मी है। चित्र प्राय छोटे ही बने हैं, लेकिन टेम्परा के स्थान पर तेल रंगों का प्रयोग होने लगा। चित्रों में विदेशी कागज़ के ऊपर ही चित्र बनाए जाते थे। विषय वस्तु भारतीय जनजीवन, धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की छवियां, अंग्रेजों के दृश्य और नित्य गान के प्रमुख चित्र बने हैं। रेखाएं बड़ी महीन थी, लेकिन उनका प्रयोग बहुत ही कम हो गया था। वेशभूषा लघु चित्रों के भांति एक ही ढंग की नहीं है, बल्कि उनमें संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा को बनाया गया है। अनुकृत पोत या कहें कि कॉपी टेक्सचर की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। कॉपी किया गया कई चित्रों को देख के ही उनकी अनुकृति बनाई है, यानी
चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनने लग गई थी। उस समय पटना में राजनीतिक व आर्थिक संबल मिलने के कारण यह शैली प्रारंभ में यहाँ पनपी, लेकिन अंग्रेजी सत्ता के मजबूत होते ही यह देश के अन्य भागों में फैल गई और यह शैली वहाँ पे प्रसिद्ध हुई। कंपनी शैली में भारतीय चित्रकारों के साथ यूरोपीय चित्रकारों ने भी बहुत काम किया। अभी हमने कंपनी शैली के बारे में जाना, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में विकसित हुई थी। अगले भाग में हम राजा रवि वर्मा के जीवनी और उनके प्रमुख चित्रों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।